हेलो एवरीवन, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सोइल। डू ऑल द सोइल एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट, लेट अस फाइंड आउट। सभी जो सोइल हैं, अलग अलग सैंपल्स अगर लेते हैं तो क्या सभी सेम रेट से एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को? तो ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है सोइल पे कि वो किस टाइप की सोइल है, तो एब्जॉर्प्शन रेट भी अलग अलग होते हैं। अभी यहाँ पर इन्होंने फिर ये एक्टिविटी दी है 9.6, टेक ए प्लास्टिक फनल, टेक ए फिल्टर पेपर। एक प्लास्टिक फनल ले लेते हैं इस तरह का, उसमें एक फिल्टर पेपर ले लिया। अब इसके बाद क्या लिया है, टेक इट फिल्टर पेपर और ए पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट, फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर। तो इसको फोल्ड करके जैसे फिगर में दिखाया है यहाँ पर, इसी तरह से इसको प्लेस कर लेते हैं। वे 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सोयल, यानी कि एक सोयल सैंपल लेते हैं या सोयल का पाउडर, और उसको इसमें डाल देते हैं, पोर इट इनटू द फनल। तो फनल में सोयल सैंपल डालते हैं थोड़ा सा पाउडर्ड, मेजर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन ए मेजरिंग सिलेंडर। एक सर्टेन अमाउंट वाटर का लेते हैं किसी मेजरिंग सिलेंडर में, और फिर उसको जो है ड्रॉपर से थोड़ा थोड़ा करके उस सोयल में डालते हैं। मान लिया कोई भी एक सिलेंडर ले लिया, उसमें 200 ml वाटर ले लिया या 100 ml ले लिया वाटर, तो वाटर की फिक्स क्वांटिटी ले लेते हैं और उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप उस फनल में डालते हैं। तो यू कैन यूज ए ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज, इसके लिए आप ड्रॉपर यूज कर सकते हैं। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फुल एट वन स्पॉट, तो सारा का सारा वाटर जो है वो एक जगह नहीं डालना है एक स्पॉट पे। पोर वाटर ऑल ओवर द सोइल, कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग। तो जब तक ड्रिपिंग स्टार्ट ना हो जाए, नीचे से जो यहाँ से ड्रॉपलेट्स जो है वो गिरनी शुरू ना हो जाए जब तक, तब तक उसको जो है ड्रॉपर से पानी हमें यहाँ पर डालते जाए। फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर। अभी हमने मान लिया, सपोज करेंगे जो सिलेंडर लिया था उसमें 200 ml वाटर लिया था, पर यहाँ पर जो यूज किया है हमने ये 100 ml वाटर यूज हो गया। 100 ml डालने के बाद यहाँ से ड्रिपिंग शुरू हो जाती, तो पहले हमने 200 लिया था, 100 ml यहाँ पे चला गया, तो रिमेनिंग वाटर रह जाता है हमारा 100 ml। तो इसको नोट कर ले, तो यही कह रहे हैं कि जो अमाउंट रह गया वाटर का सिलेंडर में उसको नोट कर लेते हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सोयल, तो ये अमाउंट है वाटर का जो सोयल रिटेन कर लेती है, यानी कि सोयल ने कितना एब्जॉर्ब कर लिया, 100 ml वाटर, इतना सोयल ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर, कैसे, वेट ऑफ सोयल, तो सोयल का जो वेट था जो कॉनिकल फ्लास्क लिया था उसमें हमने 50 ग्राम सोयल ली थी। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर 200 मिलीलीटर हमने इनिशियल लिया था। फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, सिलेंडर में कितना पानी बच गया लास्ट में, 100 ml पानी बच गया था। वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सोयल, तो सोयल ने कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया, तो सोयल ने एब्जॉर्ब कर लिया 200 माइनस 100 इज इक्वल टू रिमेनिंग 100, तो इतना वाटर जो है उसने सोयल ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो आधा पानी सोयल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो उसको हम निकालेंगे, इनिशियल में जितना लिया था माइनस फाइनल, तो वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सोयल कितने ग्राम, तो यानी कि जितना हमारे पास डिफरेंस आया यहाँ पर, क्योंकि डिफरेंस हमारा 100 ml था, उतने ही ग्राम जो है, यानी कि जो वाटर है तो 100 ग्राम वाटर उसने सोयल ने एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर हैज वेट इक्वल टू 1 ग्राम, तो 1 ml वाटर जो होता है वो 1 ग्राम के इक्वल उसका वेट होता है। तो वाटर कितना एब्जॉर्ब किया था, 100 ml, इसलिए 100 ग्राम वाटर जो है वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये वेट हो गया वाटर का जितना सोयल ने एब्जॉर्ब किया है वहां पर। अब परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ पर परसेंटेज के लिए U माइनस V, इनिशियली हमने 200 लिया था और कितना एब्जॉर्ब किया था, 100, सोयल हमने कितनी ली थी, 50 ग्राम, और परसेंटेज के लिए हम कर लेंगे 100 यहाँ पर, तो 200 माइनस 100 अपॉन 50 इंटू 100। इस तरह से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, कितना परसेंट वाटर जो है वो सोयल एब्जॉर्ब कर लेती। अब रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सोयल सैंपल्स, तो इस एक्टिविटी को अलग अलग सोयल सैंपल्स के साथ जो है रिपीट करते हैं। वुड यू गेट द सेम रिजल्ट, क्या आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, नहीं,
क्योंकि ये सैंपल पे डिपेंड करेगा, अलग अलग सैंपल पे। तो फिर इन रिजल्ट्स को आप डिस्कस करें विद योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इससे कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, जैसे विच सोयल वुड हैव द हाईएस्ट परकुलेशन रेट। परकुलेशन में और वाटर रिटेन करने में फर्क है। वाटर रिटेन करने का मतलब है जितना आप यहाँ पर वाटर डाल रहे हो वो उसको होल्ड कर लेगी, तो ये वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है इसकी। लेकिन अगर आप सैंड यूज करते हैं यहाँ पर तो वो वाटर रिटेन नहीं करती, उसका परकुलेशन रेट जाता है। तो वाटर जितना भी आप डालोगे उसमें से मैक्सिमम वाटर नीचे चला जाएगा वहां इसमें। तो लेकिन यहाँ पर जो है परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया है इसने, वो निकालना है यहाँ पर। तो कितना पानी रिटेन कर रही है सोयल, यहाँ पर वो निकाल रहे हैं। इससे पहले जो परकुलेशन पड़ा था उस परकुलेशन में वाटर जो है वो कितनी जल्दी अर्थ के अंदर चला जाएगा उसकी बात होती है परकुलेशन, कि वो कितनी जल्दी जो है मतलब फास्ट उससे जो है वो नीचे रिस जाएगा पानी, कितनी जल्दी चला जाएगा, वो परकुलेशन। और एब्जॉर्ब करके यानी कि होल्ड करके जो रखता है, ठीक है, वो रिटेन करता है पानी को, तो वो क्ले सोयल। तो दो तरह की चीजें हैं इसमें, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, ज्यादा परसेंट वाटर का कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्ले सोयल। सबसे कम परसेंटेज वाटर की कौन एब्जॉर्ब करेगा, सैंड सोयल। बुजो हेयर्ड फ्रॉम हिज नेबर, उसने अपने पड़ोसियों से सुना, क्या सुना पड़ोसी से, दैट 8 to 10 days आफ्टर द रेन, बारिश के 8 से 10 दिनों बाद द लेवल ऑफ वाटर इन ए पॉन्ड और वेल राइजेस, किसी तालाब में या कुएं में वाटर का जो लेवल है वो राइज कर जाता है। तो विच टाइप ऑफ सोयल विल अलाउ वाटर टू रीच ए वेल फास्टर, तो किस टाइप की सोयल पानी को जल्दी अलाउ करेगी उस तक पॉन्ड के वहां तक पहुंचने तक या वेल के उसमें पहुंचने तक अंदर तक, एंड इन ग्रेटर अमाउंट, और ज्यादा अमाउंट में। तो सबसे ज्यादा जो वो होता है, अगर आसपास जो सैंड सोयल है तो वो ज्यादा जल्दी वाटर को, उसका परकुलेशन रेट ज्यादा होता है तो पानी जल्दी जो है वहां पे चला जाएगा पॉन्ड में या किसी और ग्रेटर अमाउंट में जाएगा। विच टाइप ऑफ सोयल रिटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन्स द लीस्ट, तो कौन सी सोयल जो है सबसे ज्यादा अमाउंट वाटर का रिटेन करती है, जो अभी बताया था कि क्ले सोयल सबसे ज्यादा रिटेन करती है, और सबसे कम रिटेन करती है सैंडी सोयल। तो इसलिए उसमें जब भी आप रेत में कहीं पे पानी डालोगे, थोड़ा सा अगर आप रेत लेकर देखो उसमें थोड़ा पानी डालो, तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा और नीचे जो है पानी चला जाएगा एकदम से। तो ये उसका परकुलेशन रेट बहुत फास्ट होता है। तो कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकुलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड, तो क्या आप कोई मेथड सजेस्ट कर सकते हैं कि जो बारिश का पानी जो है जल्दी से जल्दी परकुलेट होके और अंडरग्राउंड वाटर में चला जाए। तो उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा सकता है, ठीक है, यानी कि जो बारिश का पानी है और ऐसे थोड़े गड्ढे कहीं पे जो है पार्क में लॉन में कहीं पे कर दिए जाए, तो उनका ड्रेनेज सिस्टम जो है ऊपर का छत का या उसका सारा उनमें कर दिया जाए और नीचे मिट्टी कच्ची रह जाए उनमें, तो उस केस में वहां पर पानी जो है सारा का सारा जल्दी नीचे ग्राउंड में ड्रेन हो जाएगा नीचे से। तो इस तरह से आप और कोई भी मेथड सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में आगे सोयल एंड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे।